हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपने प्राचीन ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। आधुनिक ओलंपिक की वीडियो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए अपने प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत मानी जाती है वो 776 ईसा पूर्व मानी जाती है, और ये जो प्राचीन ओलंपिक शुरू हुए थे वो जियस और क्नोस नाम के दो देवता थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद जो जीएस देवता थे उनकी विजय हो गई थी। उनकी विजय की उपलक्ष में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और खेलों की जो शुरुआत होती थी वो वहाँ पर जीएस देवता की एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया गया था। उस मूर्ति के सामने से ही इन खेलों का आयोजन किया जाता था, और प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो ओलंपिया नगर की ओलंपिया घाटी पर खेले गए, जिस कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। और जो जीएस देवता की विशालकाय मूर्ति थी उसकी ऊंचाई लगभग 58 फीट मानी जाती है, और उस मूर्ति के पास में ही हेरा नाम का एक मंदिर था जिसकी पुजारिन थी डेमेट्रा। वह एकमात्र महिला थी जो प्रतियोगिता देखने की अनुमति थी, और किसी भी अन्य महिला को प्रतियोगिता देखने की अनुमति नहीं थी। पहले ओलंपिक खेलों का एक दिन के लिए आयोजन किया जाता था, और धीरे धीरे खेलों की अधिकता होने लगी जिस कारण एक दिन में करवाना संभव नहीं होता था। उस कारण उसका समय बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया, और 5 दिन खेल के अंदर पांचों दिन अलग अलग क्रियाएं होती थी, अलग अलग गतिविधियां करवाई जाती थी, जिनमें सबसे पहले प्रथम दिन पूजा अर्चना की जाती थी, देवता के आगे पूजा अर्चना की जाती थी, और फिर जीएस देवता के सामने सूअर की बलि दी जाती थी। उसके बाद दूसरे दिन दौड़ प्रतियोगिता होती थी, जो पैदल दौड़ होती थी उसकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता था, और तीसरे दिन कुश्ती के साथ साथ मुक्केबाजी का भी आयोजन किया जाता था, और चौथे दिन रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। फिर अंतिम दिन था 5वां दिन, उस दिन जो खेल में विजेता होते थे उनकी घोषणा की जाती थी, और शाम को युवाओं द्वारा वस्त्र पहनकर दौड़ लगाई जाती थी, जिसका अर्थ होता था कि साल जो शांति काल था वो अब समाप्त हो गया था। अब अपन ओलंपिक के बारे में मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि उस समय कौन कौन से मुख्य मुख्य शर्तें हुआ करती थी ओलंपिक में भाग लेने की, या मुख्य मुख्य कौन से तथ्य हुआ। जो प्राचीन ओलंपिक थे उनमें जो प्रशिक्षक थे उनको हेलोडोनिया कहा जाता था, यानी जो वर्तमान में कोच है उनको पहले हेलोडोनिया कहा जाता था, और विजेताओं को इनाम स्वरूप जैतून की टहनी दी जाती थी जिसे बहुत पवित्र माना जाता था। जैतून एक पेड़ होता है जिसकी टहनी दी जाती थी जिसे पवित्र माना जाता था, और विजेताओं की जो मूर्तियाँ थी उनको घरों के दरवाजे पर बनाई जाती थी, और बनाने के बाद उनकी जो विजय गाथा थी उसकी प्रशंसा की जाती थी, बताया जाता था कि उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, और जो विजेताओं की विजय गाथा गाया करते थे उनको पिंडार कहा जाता था, यानी पिंडार कवि कहा जाता था। प्राचीन ओलंपिक में पहले पदक विजेता जिनका नाम पिसिडोरस था, जिन्होंने प्राचीन ओलंपिक में पहली बार पदक विजेता बने थे, और जो प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे उनमें महिलाओं को देखना वर्जित था, क्योंकि ये जो खेल होते थे ये निवस्त्र आयोजित किए जाते थे, और पहली बार ओलंपिक प्रतियोगिता देखने वाली महिला जिसका नाम था फिनोरस, महिलाओं को ओलंपिक देखना दंडनीय अपराध होता था, लेकिन फिनोरस थी जो विजेता की माँ होने के कारण उनको माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य महिला थी जिसे ओलंपिक खेल देखने की अनुमति थी, वह हेरा मंदिर की पुजारन थी डेमेट्रा, जिसको खेल देखने की अनुमति थी। और अब अपन प्राचीन ओलंपिक के नियमों की बात कर लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या नियम होते थे। प्राचीन ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी किसी भी प्रकार का दंड का भागी नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से अविकसित नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। जो ये क्राइटेरिया को पार करता था वह ओलंपिक में भाग लेता था।
और यूनान का नागरिक होना चाहिए। सबसे मुख्य बात थी कि वह यूनान का नागरिक होना चाहिए। और प्राचीन ओलंपिक में महिलाओं का भाग लेना वर्जित था। महिलाएं प्राचीन ओलंपिक में भाग नहीं ले सकती थी, यानी खेल नहीं सकती थी। अब अपन प्राचीन ओलंपिक के पतन के बारे में बात करते हैं कि प्राचीन ओलंपिक का पतन कैसे हुआ। 394 ईसा पूर्व यूनान पर रोम का अधिकार हो गया, जिस कारण धीरे धीरे ओलंपिक का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि रोमवासियों ने ओलंपिक खेलों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण खेलों में गतिरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया। और जो रोम का तत्कालीन सम्राट था थियोडोसियस प्रथम, उसने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ओलंपिक खेल खेले ही ना जाए। और उसके बाद धीरे धीरे थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करवा दिया ताकि ओलंपिक नाम का अस्तित्व ही मिट जाए। इस वीडियो में अपने प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।